प्यारे दर्शकों, सबसे पहले आज गणतंत्र दिवस की 73वीं वर्षगांठ पर आप सारे दर्शकों को शुभकामनाएं। इस चैनल के माध्यम से एक छोटा सा संदेश मैं अपने प्यारे बच्चों को देना चाहूँगा। एक शिक्षक होने के नाते मुझे लगता है कि मेरा ये कर्तव्य है कि मैं अपने बच्चों को सही दिशा दिखा सकूं। आज आज़ादी मिले इतने साल बीत गए, 73वीं गणतंत्र दिवस की वर्षगांठ हम मना रहे हैं। काफ़ी सारा विकास हो रहा है, लेकिन एक बार ज़रा गौर से देखें कि ये विकास किस तरह का है। ये विकास इंफ्रास्ट्रक्चर के हैं, सारी चीज़ें बदल रही हैं। बेशक हम बहुत डेवलप हो गए हैं, लेकिन ज़रा गौर से देखें तो हमें समझ में आएगा कि मानवीयता घट चुकी है। लोग एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहे। जहाँ हम देखते हैं वहाँ खुद बोल बैठते हैं कि भ्रष्टाचार है, बुराई है, गंदगी है। ये क्यों है, कभी हमने पूछा अपने आप से? सिर्फ बोल देते कि है। क्यों है, कैसे है और कैसे इसका समाधान हो, इस पर चर्चा शायद हम नहीं करते। मैं भी जब छोटा था तो ये सारी चीजें सुनता आ रहा था। आज बड़ा हो गया हूं, बच्चों को पढ़ाता हूँ, आज लगती है कि ये चीज़ें बढ़ गई हैं, लेकिन क्यों? इसके पीछे कारण है, हमने प्रयास ही नहीं किया कि बच्चों में वो गुण दिए जाएं जिनसे बच्चे इसे समाज के हो सके, इस देश के हो सके, अपने परिवार के। वो शिक्षा जरूरी है। बेशक किताब की ये नॉलेज हमें डॉक्टर, इंजीनियर या और भी बड़ी चीज़ें बना सकती है, लेकिन अगर हम एक अच्छे नागरिक, एक अच्छे इंसान नहीं बन सके तो इतने बड़े पद पर पहुंचकर हम उसका दुरुपयोग करेंगे। तो हमें मानव बनना है, इंसान बनना है और प्रयास करना है कि हमारे सिर्फ अधिकार नहीं, हमारे कर्तव्य जो हैं उनका हम बेशक जानने का प्रयास करें और उनको उपयोग में लाएं। अगर हम आज ऐसा करना शुरू कर देंगे तो आने वाले समय में हम, हमारा परिवार, हमारा समाज और एक दिन ये हमारा देश बेहतर होगा। और कल जब आप बड़े हो जाएंगे तो आप खुद कहेंगे कि आज हमारी सोसाइटी अच्छी है, आज हमारा देश अच्छा है, क्योंकि ये किसी और ने नहीं, आपने बनाया होगा। जो हमें मिला है वो हमारे पूर्वजों की देन है, लेकिन क्या ये सोचकर सर पीट लिया जाए? नहीं, उसे बदला जा सकता है, शिक्षा के माध्यम से ये हो सकता है। लेकिन शिक्षा सिर्फ किताब की नहीं होनी चाहिए, एक शिक्षा होती है मोरल वैल्यू। अगर उसको जाना जाए तो हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से सारी चीज़ें बदल जाएगी। फिर एक इंसान दूसरे इंसान को समझ सके, हम लोगों का आदर कर सकेंगे और धीरे धीरे सब कुछ बदलेगा। तो बच्चों, आज मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, आपको ये संदेश देना चाह रहा हूँ कि आप आज से ही प्रयास करें कि आप जिस जगह हैं, जैसे हैं, जो हैं, अपनी छोटी छोटी चीज़ों से बेहतर बनने का प्रयास करें, ताकि आने वाला कल जो आपका होगा
वो बेहतर हो। इसके साथ ही मैं अपनी बातों पे विराम लगाता हूँ।